उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली में एक बार फिर भाई और बहन के रिश्ते को कलंकित करते हुए एक मामला हैरान करने वाला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि मामला रायबरेली के थाना क्षेत्र नसीराबाद का है, जहां एक भाई अपनी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और बहन ने इसकी शिकायत कई बार अपनी माँ से, लेकिन माँ ने यह कहकर टाल दिया कि गाँव में हमारी हंसी हो। लेकिन लगातार बहन से हो रहे शारीरिक संबंध से बहन अपने भाई से परेशान हुई और अंत में हार कर अपने प्रेमी से बताया। तब उसके प्रेमी ने शराब पीने के बहाने उसके भाई को बंसिया तालाब के पास ले गए, जहां उसका प्रेमी और उसके साथी तीनों ने मिलकर शराब पी रहे थे। जहां उसका भाई शराब के नशे में धुत हो गया, तब प्रेमी और उसके साथी ने मिलकर गमछे से उसका गला कसकर उसे मौत के घाट उतार दिया और तालाब में फेंक दिया, जहां आज पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने इसका खुलासा किया। दरअसल एक बहन जो अपने भाई को बाप से भी बढ़कर मानती, आज वही भाई ने रिश्ते को कलंकित कर दिया। आपको बताते चलें कि 27 मई 2021 को वादिनी सुमित्रा पत्नी ज्वाला प्रसाद ने थाना नसीराबाद में लिखित तहरीर देकर बताया था कि मैं और मेरे बच्चे पति खेत पर काम करने गए थे। मेरी छोटी पुत्री व अंकित घर पर थे। मेरी पुत्री काजल खेत से घर आ रही थी, जिसके द्वारा देखा गया कि मेरा पुत्र अंकेश किसी व्यक्ति की मोटरसाइकिल पर बैठकर गया, जो शाम तक घर वापस नहीं आया। दिलीप कुमार मेरे घर पर आकर बताए कि मेरे फोन पर एक फोटो आई जो अंकेश की प्रतीत हो रही है, जिसकी लाश बंसिया तालाब छतोह के पास मिली। इतना सुनकर जहां घरवालों में कोहराम मच गया। आनंद पानन में मृतक के घरवाले थाना नसीराबाद पहुंचे और पहचान करने लगे, जहां पहचान में उसका लड़का नहीं। जहां नसीराबाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में पुलिस जुट गई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से राजकुमार की रिपोर्ट। यह किस चीज का सच? ये थाना नसीराबाद में 27 तारीख को एक तालाब में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें कि उसके गर्दन पे एक गमछे से कसने का निशान था। इस संबंध में थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया गया और इस घटना के अनावरण के लिए टीमों को लगाया गया था। पूछताछ के क्रम में ये बात सामने आई कि जो मृतक है वो शराब पीने का आदि था और जुआ खेलने का आदि था और अपने सगी बहन के साथ वो गलत काम किया करता था, जिससे कि उसकी बहन परेशान थी। इस बात को उसकी बहन ने अपने प्रेमी को बताया। उसके प्रेमी द्वारा इस लड़के को घर से शराब पिलाने के बहाने ले गया गया। वह प्रेमी और उसका भाई, इन दोनों ने साथ मिलकर मृतक को शराब पिलाया। शराब पीने के पिलाने के बाद इसे गला दबाकर इसकी हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया। इस पूछताछ के क्रम में मृतका के बहन और उसके प्रेमी और उसके भाई, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। वो गमछा जो कि प्रयोग किया गया था घटना कारित करने के लिए, वो मोटरसाइकिल जिससे कि उसे बैठा करके ले जाया गया था और वो मोबाइल फ़ोन जिससे कि इन सब के बीच में वार्तालाप हुई, उन तीनों को बरामद करते हुए इन तीनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर, तीनों अभियुक्त जो पकड़े गए हैं बालिग हैं या नाबालिग? ये बालिक।